प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। आज मानपूर शिवाजी नगर मध्ये जी हवा चालली आहे 15 वर्ष अबूआझमीने काही केले नाही, नशा मुक्तीसाठी भरपूर त्रास आणि भरपूर मुलांना त्रास झालेला आहे ना, कुठलं काम केले 15 वर्ष आश्वासन देऊन गेलेले आहेत, मी हे करतो मी ते करतो, कोणाचं काही केलं नाही। आज जवान जवान मुलं नशांमध्ये एकदम भरपूर त्यांना हे झालं, त्यांच्या आई वडील त्रास होतो, इथे मर्डर होतात तरी पोलीसवाले काय करत नाही, किंवा लोक पब्लिक भी कंटाळलेले आहेत की महिला सुरक्षा नाही इथे। म्हणून आम्ही आज आमचे लाडके भावांनी की आपले एक लाडके भाऊ सुरेश अण्णा पाटील यांना एक निवडून द्यायचं आपल्याला आहे, धनुष्यबाण हेच आमचं संरक्षण करणार आहे, हेच मी मागणं आमच्या मुख्यमंत्र्याला करते, तुम्ही आमच्या पाठीशी आहे, आम्ही तुम्ही आमचे लाडके भाऊ, आम्ही तुमचे बहीण आहे, आम्ही तुम्हाला 100% पाठिंबा देऊ। जय हिंद जय महाराष्ट्र। बाकी क्या कहेंगे, किस तरह का आमदार होना चाहिए आपका, किस तरह के कार्य आपके लिए करना चाहिए? 15 साल से जो अबूआझमी है वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, काम तो नहीं कर रहे। पानी का मसला है, आरोग्य का है, बच्चे लोग का स्कूल का है, जो भी है वो न कर नहीं पा रहे। और नशा के लग जो तरुण पीढ़ी जो हमारे देश की भविष्य है वो ज्यादा बढ़ गई है, जहाँ भी देखो छोटे छोटे बच्चे लोग नशा कर रहे हैं, कहाँ पे मर्डर हो रहा है। मेरी माता बहने जो बहुत दुखी थे, ऐसी जो समस्या है, यहाँ डंपिंग का भी माहौल है और अपना SMS जो है कंपनी उसका भी है, उससे भी प्रदूषण हो रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे उन लोगों का TB खांसी, उन लोग की सेहत भी खतरे में है। जो आमदार है वो लक्ष्य नहीं दे रहा है, यानी ध्यान नहीं दे रहा है, वो रहता है कुलाबा में। तो हम लोग को स्थानीय की चाहिए, जो हमारे शिवसेना के यहाँ के जो है अभी उम्मीदवार अपने अन्ना बुलेट साहब, तो हम लोग चाहते हैं कि वही चुन के आए, वही हमारा यहाँ का जो समस्या है काफी दिनों से जो गंभीर चले रहा है वही हमारा हल निकाल सकते हैं। तो हम लोग सब जन की यहाँ की जो रहवासी हम लोग है, हम लोग माता बहन की वही एक दिल में ख्वाहिश है कि यही चुन के आना चाहिए, जो हम लोग की जो परेशानी है इसे हम लोग को यही निकाल सकते बाहर। तो हम लोग उनको ये तारीख को जो भी हमारी बहने हम लोग बाहर निकल के उनको चुनवाने के देने की कोशिश करेंगे, और यही हमारे उम्मीदवार चुन के ही आएंगे और हमारे यहाँ का विकास भी करेंगे। जो विकास होना चाहिए वो सिर्फ इनके ही हाथ में है। सर क्या लग रहा है, इलेक्शन का दौर आ गया है, बड़े बड़े उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इस सीट के लिए काफी उम्मीदवार हैं जी जी मैदान में जो खड़े, क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार माहौल बदल सकते हैं? इस बार जिस तरीके से अभी पब्लिक का रुझान आ रहा है तो ऐसा तो लग रहा है माहौल बदलने वाला है, क्योंकि पब्लिक पिछले 15 सालों से व्यतीत हो गई है। इस बार पब्लिक बदलाव के मूड में है और इस बार नवाब मलिक साहब को काफी जनता का समर्थन मिल रहा है, और रुझान देख के तो ऐसा लग रहा है कि नवाब भाई यहाँ से बहुत भारी मतों से विजय हो जा रहे हैं। पिछले 15 सालों में यहाँ जो देखा जाए तो एक हिस्सा ये भी शिवाजी नगर विधानसभा हो गया, मानपुर सोनापुर जैन नगर, इन जगहों पे लोगों का कहना है कि विकास नहीं है, तो क्या कहेंगे कि पिछले 15 सालों से मैं भी यहाँ का स्थानीय रहवासी हूँ, पिछले 15 सालों से हमेशा एरिया उपेक्षित रहा है, आमदार साहब यहाँ कभी गलती से भी नहीं आए, इस वजह से यहाँ की जनता में हमेशा उनके प्रति आक्रोश रहा है, इस वजह से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं नवाब मलिक साहब से, और ऐसा लग रहा है सारा जन समूह नवाब मलिक समर्थन में उमड़ के आ रहा है, नवाब मलिक साहब भारी मतों से विजय होकर आ रहे हैं। और हमेशा विकास के मुद्दे भी बात करते हैं, आपको दिख रहा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमेशा बोलते पानी लाए आमदार साहब, कटर से आमदार का काम नहीं है पानी और कटर, आपके साथ साथ 8-8 कारपोरेटर थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ लेडीजों को महिलाओं को प्रसूति का कोई सुविधा नहीं है, आज भी डिलीवरी जैसे बहुत सारी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है, उनके लिए राजाबाड़ी या शताब्दी अस्पताल भागना पड़ता है, और ना कोई ढंग का कॉलेज है, ना कोई यहाँ पे कोई ये है डायलिसिस सेंटर है, वो सारी चीजों से लोगों को काफी उम्मीदें नवाब मलिक साहब से जुड़े हुए हैं, काफी बड़ा चेहरा है, लोगों को ऐसा लगता है कि इनके आने से यहाँ पे बदलाव होगा। मेरा नाम प्रकाश गायकवाड़, मैं मानपुर विधानसभा में करीब 48 साल से रह रहा हूँ, और 48 साल मतलब 15-20 साल पहले कोई गवंडी मानपुर का वातावरण कुछ अलग था, और उसके बाद जो MLA हुए 15 साल जो MLA उन्होंने वातावरण ही चेंज कर दिया है, इसलिए ये बार
यहाँ पे गोवंडी में बदलाव जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो उससे ही बेहतर हालत होने वाली है। क्या कहेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर मत करेंगे, किस तरह का आमदार आपका होना चाहिए? हमारा आमदार जैसा है, यहाँ पे जो नशा गुंडागर्दी, जैसे SMS कंपनी है, ऐसे मोहल्ले में इतनी गंदगी, नगर सेवक उनके सब नगर सेवक उनके भी समाजवादी पार्टी के ना कोई साफ सफाई में ध्यान देख रहे हैं, और मोहल्ले में भी और एरिया में और विधानसभा में नगर सेवक है पार्टी के, उनका एरिया देखो, ये गवंडी एरिया देखो, यहाँ पे एक एमएलए 8 नगर सेवक है, एक महापौर जैसा एक एरिया है, तो उन्होंने मिल के यहाँ पे कैसी एरिया की देख रेख करनी चाहिए, वो सब से काम नहीं करते और रहते वहाँ खुला पे, उनको गवंडी में कुछ पड़ी नहीं है। हमारे कुछ लोग हैं उनके साथ काम करते, हमको बोलते कि हम उनके साथ काम करते, उनको गोवंडी का कुछ लेने यहाँ पे। हमारा उम्मीदवार अभी फिलहाल तो शिवसेना के पाटिल साहब जैसे है यहाँ पे, क्योंकि वो पहली बार जब चुन के आए थे ना, कंटिन्यू की हमारा हमको जैसे यहाँ पे आमदार एकदम लोगों की देख रेख करने वाला, एरिया की साफ सफाई और लोगों के मुद्दे मानने वाला आमदार, जैसे विधानसभा में ऐसा हमको आमदार चाहिए। बाकी आमदारों जैसे हमारे आमदार नहीं चाहिए, जैसे कि अभी ये बहुत गवंडी में तो बुलेट जी पाटिल, इनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और उनको चुन के देंगे तो यहाँ पे गुंडागर्दी नशा ये जो SMS कंपनी वो ऑटोमेटिकली हटा के, हमारे CM साहब है अभी जैसे एकनाथ शिंदे, उन्होंने शायद ऑलरेडी वो प्रपोजल डाला हुआ है कि ये SMS कंपनी हटाने के लिए, और इसके लिए वो और पूरा हलने के लिए हमारे लोगों का गवंडी के मानकुरी समय के लोगों का सपोर्ट चाहिए। जैसे बुलेट जी पाटिल, उनको बुलेट नाम से जाने जाते हैं, वो स्थानीय उम्मीदवार है गवंडी में, सब हमारे गवंडी के लोग साथ में रहने वाले हैं। और उसके बाद वो यहाँ पे गवंडी जो शिवानगर पुलिस था उस टाइम, यहाँ पे वो कुछ पुलिस अधिकारी भी थे उस टाइम, उनका अच्छा वजन था, वो हिसाब से लोग उनके चुन के दिए, वो MLA अच्छे रहेंगे हमारे। चल रहा है शिवाजीनगर विधानसभा में, और क्या लगता है आपको, किस तरह का? देखो मुझे तो ये हमें जा, अभी मेरी उम्र तो 50 साल है, मैं तब से देख रही हूँ यहाँ का माहौल बराबर नहीं। जैसे कि लोग अच्छे जवान लड़के 13-13, 12-12 साल के लोग नशा करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, और हम उनको नहीं दबा सकते। उनको यहाँ पे सब कुछ सही ढंग से चलने के लिए अच्छे विधायक चाहिए, और मेरे नज़र में विधायक तो ये पाटिल सर है, जो पहले भी हो चुके हैं यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे शिवाजी नगर बैगनवाड़ी में मस्जिद भी बना के दिए, स्मशान भूमि भी दिए है उन्होंने बना के, पता है। फिर उसके बाद वापिस ये जो आए यहाँ पे MLA जो है, उन्होंने कुछ हल्का काम नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ पे रहने वाले नहीं है। वो रहते कहाँ पे, मुलुंड मालाड़, तो वहाँ से वो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, हमको यहाँ से उनके पास जाना पड़ता है, मगर तो भी हमारे काम नहीं होते। हमको हमारा स्थायी उम्मीदवार चाहिए यहाँ पे चुन के आने वाला, और यहाँ पे चुन के आने के लिए हमारे मेरे नजर से तो पाटिल सर से अच्छा कोई नहीं है, बुलेट पाटिल सर उम्मीदवार। आम्हाला सुरेश पाटिल सारखा उम्मीदवार आला पाहिजे, कारण की त्यांना खूप माहिती आहे एरियाची, खूप सारे त्यांनी खूप सारे केसेस वगैरे खूप सारे काम केले तिथे महिलांसाठी, पुरुष म्हणजे सगळ्यांसाठीच काम केले, ती स्थानिक येतले त्यांना सगळं गल्लोगल्ली माहिती आहे, त्यांचं रिस्पॉन्स पण चांगलं आहे। कधी पण तुम्ही रात्री उठून 2 वाजता जरी गेले तरी ते तुमचं काम करणार, अशी माझी म्हणजे सगळ्या लाडक्या बहिणींची हे, तर त्यामुळे आम्हाला स्थानिक उमेदवार बुलेट पाटील सारखंच पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे। जय महाराष्ट्र, जय भाई। मानकू शिवाजीनगर विधानसभा से ऐसे कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं, आपका सपोर्ट किसको रहेगा? सर हमारा सपोर्ट वो उम्मीदवार रहेगा जो हमारे एरिया में काम करे। अभी तक यहाँ पे 15 साल हो गए, अबू आजमी हमारे एरिया में आज तक चक्कर नहीं मारने आए उन्होंने। जब चुनाव आता है बड़े बड़े वादे लेके आ जाते हैं, हमारे एरिया में चक्कर खाली वही टाइम पे आते हैं, बाद में दिखते नहीं है ना, उनका कोई परिंदा दिखता है वहाँ पे, कोई बंदा भी नहीं आता है। हमारा एरिया जयनगर सोनापुर वैसे का जैसा 15 साल पहले था आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। जो है यहाँ पे काम हुआ है, शिवसेना वालों BJP वालों ने काम किया है यहाँ पे। क्या लगता है आपको, बदलाव सर इस बार? तो सर बदलाव होना चाहिए, बिना बदलाव के कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि हमारा जो देखेंगे नहीं हम उनका क्यों देखें फिर। कैसा विधायक आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा विधायक ऐसा हो कि हमारे एरिया में विकास करे, हमारे एरिया को आगे ले जावे, वहीं कमी ना छोड़े, आके ध्यान देवे हमारे दुख तकलीफ देखे। हमारे एरिया में एक बेहतरीन कॉलेज, एक अच्छा स्कूल और अच्छी अच्छी सुविधाएं मिले, ताकि जहाँ जो बाकी एरिया में सबको दिया था वो हमारे एरिया में मौजूद हो गया था। बोलते क्या कहेंगे, किसकी हवा आपको लग रही है, किसका पल्ला भारी है? सर हमारे एरिया में देख के सर लग रहा है बुलेट पाटिल जी का पल्ला भारी है, और
उनके साथ में नवाब मलिक का भी थोड़ा है, पर ज्यादा करके बुलेट पार्टी का है सर। धन्यवाद।